तो ऑल गाइस ऑल भाई लोग सभी को मेरे एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में दिल से भाई लोग स्वागत है। तो आज के वीडियो सिंपली हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आप लोग देखते हो जो ये पावर बैंक्स। तो गाइस पावर बैंक को हम लोग बहुत सारे जगह से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर पावर बैंक को हम लोग मोबाइल के अंदर चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस पावर बैंक की सबसे बड़ी खासियत या फिर बुरीत बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेक मिलता है आज के मार्केट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी को ऊपर गाइस सिंपली पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल को बैटरी को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है, मोबाइल के जब ट्रैवल करते हो या फिर ऑफिस वगैरह जाते हो, तो भाई सभी लोग एक पावर बैंक को परचेस करना ज़्यादा बेनिफिट समझते हैं, इसलिए बहुत से लोग पावर बैंक को परचेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का फेक पावर बैंक या फिर पैसा डूबना आप लोग समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो बेसिकली इससे कैसे बच सकते हैं फेक पावर बैंक से, तो भाई बेसिकली फेक पावर बैंक के गाइस कुछ टिप्स है आप किसी भी फेक पावर बैंक को बाय करने से कैसे बांट सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को सिंपल भाषा समझाऊँ, तो गाइस मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रो का चैनल। तो गाइस बेसिकली वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो पावर बैंक होता है इसके अंदर गाइस कुछ ब्रांड लिखा होता है, जैसे एमरेन, सैमसंग, एलजी। तो गाइस बेसिकली हर ब्रांड का आप लोगों को, ज़्यादातर ब्रांड का है अपनी एमआई का कुछ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे बड़ा पॉइंट आता है जो गाइस आप फेक पावर बैंक जब बाय करते हो, ज़्यादा रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा बिकने में देखा जाता है, रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा लोग ये बेचते हैं फेक पावर बैंक को। तो गाइस सबसे ज़्यादा ये जो गाइस आप फेक पावर बैंक को जब खरीदते हो वहाँ पर लिखा होगा गाइस सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10,000 mAh। लेकिन आप बता देता हूँ आप जब नकली वाला खरीदते हो, ये ओरिजिनल वाला है, आप जब नकली वाला खरीदते हो उसमें अतरंगी सतरंगी लिखा होता है, जैसे आप लोगों को सिंपली बताऊँ 32,000 mAh, 40,000 mAh, बेसिकली 20,000 mAh, कुछ अजीबोगरीब लिखा होता है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस तरह का जो पावर बैंक होता है जो 20-30,000 mAh का होता है वो ज़्यादातर 3,000 से भी पैसे ऊपर होता है, बेसिकली 3,000-3,500 का होता है। तो गाइस आप लोग बता देता हूँ आपको इस उस प्रकार का पावर बैंक आप लोगों को कोई 500 के अंदर दे रहा है तो गाइस वो कन्फर्म फेक ही है। और गाइस मैं आप लोग बता देता हूँ फेक पावर बैंक जांच करने के लिए बहुत से सिंपल चीज़ें हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ कोई बंदा किसी भी जैसे ओप्पो का ब्रांड का किसी भी ब्रांड का एक पावर बैंक को बेच रहा है, वाइस आप लोग बता दो ज़्यादा रेलवे स्टेशन से या फिर किसी भी अतरंगी सतरंगी दुकान में आप बिल्कुल ही मत खरीदेगा। आप किसी भी ट्रस्टेड दुकान पे आप जहाँ पे बाय करते हैं फ़ोन वगैरह जानते हैं दिन दुकानदार को वहीं से खरीदेगा, किसी भी रेलवे स्टेशन में बिल्कुल नहीं खरीदेगा, वो ज़्यादातर फेक ही बेचते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी प्राइसिंग को लेकर, ज़्यादा 10,000 mAh की सबसे ज़्यादा बिकती है, 10,000 mAh जो गाइस पावर होती है आपके मोबाइल को, जब 4,000 mAh की मोबाइल है आपके बैटरी के तो गाइस आप दो बार चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो गाइस इस प्रकार के जो पावर बैंक होता है इसको आप लोग बहुत से लोग बाय करते हैं। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह बेसिकली 500 रुपये से 1,000 रुपये के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, 500 रुपये से 1,000 रुपये के अंदर। लेकिन जो गाइस ये 10,000 mAh का वाला है, आप कोई बंदा 10,000 mAh का दे रहा है तो गाइस आप लोग बताता हूँ वो ज़्यादातर गाइस 300 या फिर 200 के अंदर ही आप लोगों को प्राइस बताएगा, तो गाइस वो भी फेक ही है। आप लोगों को अंदर जो गाइस देखते हो तो गाइस बेसिकली उसके अंदर सब कुछ सेम ही दिखने का ये चल रहा है, तो गाइस सब कुछ होगा। लेकिन गाइस उसके अंदर बैटरी का सेल जो होता है वो फेक होता है, नॉर्मली सेल दिखता है, एक सेल में कुछ पावर होगा, बिल्कुल ये अंदर जो 5-5 सेल होते हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं, उसके अंदर रेत भरा होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो गाइस सिंपली आप लोग देखते हो एक ओरिजिनल जैसे एमरन का नॉर्मल में ये 1.5 साल पुराना है गाइस, इसके अंदर गाइस मैंने खुद हाथों से बहुत बार इसको नीचे गिराया है, अजीब वगैरह जब जब होता है गाइस सिंपली जानते हो बहुत से लोग गिरा देते हैं, तो गाइस मैंने भी बहुत सारी बार गिराया दिया था। तो गाइस ये इसका लाइट तक टूट गया, अब भी चल रहा है, तो गाइस ऊपर वाले के देन है तो चल रहा है। तो गाइस इस तरह का ब्रांडेड प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, कुछ भी गाइस वीडियो के अंदर लाइक करके ही जाना कुछ भी अच्छा लगा तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी तो वीडियो ख़त्म करने की बात आ सकी है, लेकिन मैं उसके बारे में आप लोगों को, आप जब भी किसी गाइस सिंपली बेसिकली ये जो गाइस पावर बैंक को आप जब खरीदते हो तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी जो प्राइस पॉइंट है, या फिर गाइस सिंपली आप इसको कम दाम में बाय करना तो ऐसे ऑनलाइन में कम दाम में मिल जाता है, ये गाइस सिंपली 500 रुपये के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के अंदर, ज़्यादातर ऑनलाइन आप लोगों को अच्छे का काफ़ी सस्ती या फिर ओरिजिनल मिल जाएगी बेसिकली आपको ऑनलाइन पे, फिर भी आप लोग रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे थे इंडस्ट्रो का चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइस बाय 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 बाय।